हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विल बैरिंग के बारे में। व्हाट इज क्विल बैरिंग, आखिर क्या होता है ये क्विल बैरिंग और उसके एडवांटेज क्या होते हैं और कहां पर इसे यूज किया जाता है, सब कुछ जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 830 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। दरअसल निडल बेयरिंग को ही क्विल बेयरिंग कहा जाता है। निडल बेयरिंग की खासियत ये होती है कि इसका जो रोलर है उसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है जबकि उसका डायमीटर जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए इसे क्विल बेयरिंग कहा जाता है। इसे यूज़ किया जाता है ऐसे जगह पर जहाँ पर वेरिएबल लोड्स लगते हैं और जैसे जहाँ पर जर्क बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि पिस्टन पिन बेयरिंग्स में यूज़ करते हैं इन्हें और रॉक आर्म्स में यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट्स के क्रॉस में इसको यूज़ करते हैं। इसमें लार्ज लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है कंपेयर टू इनके साइज के कंपैरिजन में। इनके साइज के से हम कंपेयर करें तो इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है और पर्टिकुलरली ये लो पेरिफेरल स्पीड पर काफ़ी अच्छा साबित होता है। इनके लेंथ और डायमीटर का अगर रेशियो हम निकालें तो हमेशा 4 से ज़्यादा आएगा, यानी कि 4 से अगर ज़्यादा इनका लेंथ जो है 4 गुना से भी ज़्यादा बड़ा रहता है इसके डायमीटर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।